गंगा वर्सेस मंगा। गंगा हॉल में बैठकर अपनी बहू मंगा के बारे में सोच रही थी। ये लड़की रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है, पता नहीं कब सुधरेगी। इस तरह सोच रही थी कि मंगा वहां आकर, सासू माँ इतना क्या सोच रही हैं? किस बारे में? हाँ, और क्या, मेरे बारे में ही सोच रही होंगी कि कब मैं सुधरूंगी। लेकिन मैं सुधरने वाले में से नहीं हूँ। इस तरह मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने सासू माँ के पास आती है। क्या बात है सासू माँ, इस तरह से सोच रही है जैसे कुछ बुरा हो गया हो। क्या हुआ सासू माँ? जो भी हुआ हो तुझे इससे क्या, तुझे मैंने बाजार जाकर घर का राशन लाने को कहा था, लाई हो? हाँ सासू माँ, ले आई हूँ ना, रसोई घर में रख दिया है सारा सामान। इस तरह बोल रही थी कि अचानक मंगा का फोन बजने लगता है। देखकर, सासू माँ मेरी चाची का फोन है, उनसे बात करके अभी वापस आऊंगी। ऐसा बोलकर थोड़ी दूर जाकर फोन उठाती है। हाँ चाची बोलिए। कल तेरी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुझे जरूर आना है। अरे अभी आने की क्या जरूरत है, मैं सीधे शादी पर मिलती हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रही है, तुझे जरूर आना होगा। ऐसा बोलकर चाची फोन रख देती है। तुरंत वो अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ दरअसल। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि सासू माँ बोली, क्या बात है, तेरी चाची ने बुलाया है। अरे आपको कैसे पता चला सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तेरी चाची वहाँ से बोल रही थी तो मुझे यहाँ सुनाई दे रहा था। कल बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं सुबह जाकर शाम तक वापस आ जाऊंगी सासू माँ। इस तरह वो बड़े प्यार से पूछती है। ये देखकर गंगा दंग रह जाती है। बाप रे बाप, कितने इज्जत से पूछा है तूने, इस तरह पूछेगी तो मना कैसे करूंगी। वैसे भी मांगने में तो तुझसे बेहतर कोई और है ही नहीं। इस तरह बोलते ही मंगा दंग रह जाती है। क्या मतलब सासू माँ, मैं भीख मांगने वाली हूँ? जी जी, तुझे पैसे भीख मांगने की क्या जरूरत। ठीक है जा सकती है। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मंगा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू सासू माँ। इस तरह हंसते हुए वो आश्चर्यचकित होकर बोलती है, वैसे इन्होंने अभी मेरी तारीफ की है या मुझे डांटा, इनके बोलने का मतलब क्या है। कोई बात नहीं, इस तरह सोचकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने चाची रमाकांतम के घर पहुँचती है। लड़के वालों के स्वागत की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। विजय नाम का लड़का लड़की को देखने के लिए आकर बैठ जाता है। उसके सामने ही लड़की के चेहरे पर पर्दा डालकर बिठाया जाता है। ये देखकर विजय बोलता है, अरे ये क्या, हम लड़की देखने आए हैं और आपने उस पर पर्दा डालकर रखा है, ऐसे हम लड़की को कैसे देख पाएंगे। बेटा यही हमारी परंपरा है, शादी के बाद ही आप लड़की का चेहरा देख पाओगे। ये बात सुनकर मंगा दंग रह जाती है। अच्छा ऐसी भी परंपरा है, मुझे तो नहीं पता चाची। ऐसी परंपरा है, तुझे नहीं पता। अगर शादी के बाद मैंने लड़की का चेहरा देखा और मैं डर गया तो? तब उसका पर्दा जिंदगी भर ऐसे ही कंटिन्यू कर लेना। ये बात सुनते ही विजय दंग रह जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उस लड़की का चेहरा देखूंगा, अगर नहीं दिखाया तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं, उसने कहा। लड़के को गुस्से में देखकर रमाकांतम कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप अपनी बेटी के चेहरे से पर्दा हटाने लगी। रमाकांतम ने जैसे ही पर्दा हटाया, विजय देखकर दंग रह गया। माधवी के सर पर एक भी बाल नहीं था। ये देखकर मंगा भी दंग रह गई। अरे ये क्या, इस टकली लड़की को यहाँ दुल्हन के रूप में बिठा दिया, कहाँ है दुल्हन? बेटा यही दुल्हन है। क्या ये? ऐसा बोलकर वो लड़का तुरंत गायब हो गया। ये देखकर वहाँ बैठे सब लोग दंग रह गए और माधवी रोते रोते, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है, मुझसे शादी कौन करेगा, मुझे कोई याद ही नहीं करनी, देखो अब क्या हो गया।
इस तरह रोते रोते घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर रमाकांत भी रोने लगती है। बड़ों ने कहा था कि 100 झूठ बोलकर भी एक शादी करा दो, लेकिन 100 झूठ बोलकर भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रही हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? इस तरह सोचते सोचते रोने लगी और वो भी वहाँ से चली गई। ये देखकर मंगा को भी बहुत दुख होता है। अरे, मैंने तो सोचा था सब कुछ खुशी खुशी हो जाएगा, लेकिन ये सब क्या हो गया? इस तरह सोचते सोचते वो अपने घर वापस आ जाती है। हॉल में ही बैठी गंगा मंगा को आते हुए देखकर बोलती है, क्या बात है बहू, इतनी उदास क्यों हो? वो सासू माँ, दरअसल। इस तरह उसने सारी बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुनकर गंगा बोली, अरे रे बेचारी, वो लड़की कितनी दुखी हो रही होगी। लड़की के सर पर बाल नहीं है, ये देखकर दूल्हा भाग गया। छी 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 छी। हाँ सासू माँ, मुझे माधवी को देखकर बहुत दुख हुआ। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगी तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ सासू माँ। अरे माँ, क्या मांगती है? वो आपके पास तरह तरह की मैजिकल चीजें होती है ना, अगर उनमें बाल उगाने की कोई चीज हो तो मुझे दीजिए ना, मैं उसे अपनी बहन को दूंगी, उसने कहा। ये बात सुनकर गंगा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। बात तो तूने अच्छी सोची है और तू भले के लिए ही मांग रही है। ठीक है, अपनी बहन को इधर बुला ले, परसों अपने घर में लड़के वालों को बुलाएंगे। आज जो लड़का मना करके भाग गया है ना, उसी से तेरी बहन की शादी करवाऊंगी। लेकिन वो कैसे सासू माँ? अरे पहले तू बुला तो सही। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। मंगा ने अपनी सास के कहने के मुताबिक माधवी को अपने घर बुलाती है। देख बेटा माधवी, इस हेयर क्रीम को लगाकर रात को सो जाना, सुबह तक तेरे सर पे बहुत सारे बाल आ जाएंगे। ये कैसे आंटी? बेटा ये मैजिकल हेयर क्रीम है, इसे बस एक बार लगाते ही खूब सारे बाल आ जाते हैं। इस तरह बोलते हुए मैजिकल हेयर क्रीम देती है। मैजिकल हेयर क्रीम की बात सुनते ही दोनों बहनें दंग रह जाती हैं। माधवी उस हेयर क्रीम को लेकर सर पर लगाकर उस दिन रात वही सो जाती है। जब सुबह उठकर माधवी अपने आप को आईने में देखती है तो उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता। अब उसके सर पर बहुत सारे बाल उग गए थे। ये देखकर उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो खुशी खुशी गंगा के पास आकर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटी, उस दिन जो लड़का तुझे देखने आया था वो आज फिर से आ रहा है, जा जाकर तैयार हो जा, उसने कहा। माधवी वहाँ से चली गई। विजय फिर से लड़की को देखने के लिए वापस आता है। हॉल में बैठा कर विजय से गंगा बातें कर रही थी। बेटी मंगा, जा माधवी को ले आ, उसने कहा। मंगा जाकर माधवी को लेकर विजय के सामने बिठाती है। विजय माधवी को देखते ही पसंद कर लेता है। मैं शादी को तैयार हूँ, तुरंत हमारी शादी करवा दीजिए, उसने कहा। ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन अचानक माधवी उठ खड़ी हो गई और बोली, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सब लोग दंग रह गए। अरे ये क्या बोल रही है, एक मिनट दीदी। ऐसा बोलकर माधवी विजय के पास पहुँचती है। मुझे ध्यान से देखो, तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? थोड़ी देर विजय उसे ध्यान से देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, हाँ तुम, ये सब क्या हो रहा है? विग लगाकर लड़की को दूसरे घर में बिठा दोगे तो मैं शादी कर लूंगा क्या? ये विग नहीं है, ये ओरिजिनल बाल है, ओरिजिनल। वैसे भी तुम क्या मुझसे शादी करोगे? मैं ही तुमसे शादी नहीं करूंगी। यहाँ जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और तुम आफ्टर ऑल थोड़े से बालों के लिए मुझे छोड़कर गायब हो गए। एक बात बताऊं तुम्हें, किसी भी व्यक्ति में उसकी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, उसका मन देखना चाहिए, और उस मन को देखने का मन तुझ में नहीं है। चल निकल यहाँ से। जो लड़का मुझे मेरा मन देखकर पसंद करेगा मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। ऐसा बोलकर विजय को वहाँ से भगा देती है। माधवी की बातें सुनकर सास बहू दोनों दंग रह जाते हैं।
गंगा खुशी खुशी माधवी के पास पहुंचकर उसका पीठ थपथपा के बोलती है, तूने जो भी किया सही किया बेटी, ऑल द बेस्ट। इस तरह बोलती है माधवी। इंद्रकांतम और चक्र सुजाता दोनों मिलकर शॉपिंग पर जा रहे थे। ऐसे वो लोग जा रहे थे तभी चक्र सुजाता चंद्रकांतम से, अरे चंदू आज कैसे भी करके ओ स्त्री कल आना में जैसी साड़ी है ना वैसी साड़ी खरीदनी है, वो कलर वो मॉडल मस्त लगता है। अरे वो साड़ी में क्या है, पूरा प्लेन वाइट ही तो है। हाँ हमारे घर में शक्कर के रंग की तरह है वो साड़ी। तुम नहीं सुधरोगी, आजकल ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो तुम? बस ऐसे ही हूँ मैं, क्या करूँ। बोलकर शर्मा रही थी साड़ी की दुकान पर जाकर सफेद साड़ी लेती है। वो देखकर चंद्रकांतम, अरे तुमने ये खरीद तो लिया लेकिन पहन कर रात में बाहर मत निकलना, लोग भूत आए ये सोच कर भाग जाएंगे। ऐसे हंसते हुए तभी वो लोग शॉपिंग मॉल से बाहर आते हैं। वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत चंद्रकांतम को देखकर, अम्मा कुछ खाने को दे दो, खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे पूछती है। उसे देखकर चंद्रकांतम चौंक जाती है। उससे, शांति तुम शांति हो ना? हाँ हमारी शांति है, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे सुजाता पूछती है। तभी शांति के कुछ बोलने से पहले चंद्रकांतम रुकाकर, अरे रुक जा पहले इसे कुछ खिला देते हैं, चलो हफ्ते भर से कुछ नहीं खाया है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, बेचारी इतने दिन से भूखी थी, चलो शांति घर चलते हैं। बोलकर अपने घर ले जाती है। चंद्रकांतम शांति को पेट भर खाना देती है। वो देखकर शांति चंद्रकांतम से, इतने दिन से किसी ने भी मेरे पे दया नहीं दिखाई, आखिर में उस भगवान को भी मेरे ऊपर दया नहीं आई, लेकिन तुमने भगवान की तरह आकर मुझे देखते ही मेरा पेट भर दिया चंदू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनजान लोगों की तरह थैंक्स क्या बोल रही हो, बाहर वालों की तरह मुझे बोल रही हो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ऐसे रास्ते पर लोगों से भीख क्यों मांग रही थी, क्या हुआ क्या हुआ क्या? मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी शादी करवा दी, मेरे पति की माँ बचपन में ही गुजर गई, उसके बाद मेरे ससुर जी ने दूसरी शादी कर ली, मेरे पति उन्हें जरा भी नहीं पसंद थे, लेकिन पसंद आने का नाटक करती थी। कुछ दिन बीते मेरे ससुर जी हार्ट अटैक से मर गए, बस उसके कुछ ही दिन बाद मेरे पति को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो सुनकर वो बहुत खुश हो गए थे, मुझसे ऐसा भी कहा। कितनी अच्छी खबर दी है शांति, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी आपका आनंद आपकी आंखों में दिख रहा है, ससुर जी के मरने के बाद आप कभी भी इतना खुश नहीं हुए, आज देख रही हूँ। हाँ शांति मुझे मेरे पापा बहुत पसंद थे, इसीलिए अगर लड़का होगा तो पापा का ही नाम रखूँगा। अगर लड़की हुई तो? मेरी मरी माँ का नाम रखेंगे। ऐसे बोलकर हम दोनों हंस रहे थे, मेरी सास दरवाजे के पीछे खड़े रहकर सुन रही थी, मेरी खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे पति आर्मी ऑफिसर थे, एक दिन उन्हें अर्जेंट आने का ऑर्डर मिला था, उससे वो फॉरेन आर्मी बॉर्डर चले गए, उन्हें कितनी खुशी से भेजा था, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, वो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए, ऐसी खबर आई, वो सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन मेरी सास बहुत खुश हो गई थी, अपने आप में ऐसा भी सोचा। हाश, छुटकारा मिला, अब ये मनहूस भी इस घर से चली जाएगी तो ये जायदाद पूरी मेरी होगी। ऐसे हंस रही थी, उस दिन से मेरी सास ने मेरी जिंदगी नरक बना दी, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स जला दिए, मेरे इतने साल की मेहनत पर पानी फेर दिया उन्होंने, मुझे मारने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ना होने के कारण मुझे खाना देना ही बंद कर दिया, और मुझे समझ आ गया कि मैं उस घर में नहीं रह सकती, फौरन वहाँ से बाहर निकल गई। कोई काम करने के लिए मेरे पास एक भी डिग्री नहीं थी, काम करने की हिम्मत भी नहीं थी, और मेरे लिए ना सही इस कोक में पल रहे बच्चे के लिए जीना है ऐसे सोचा, इसलिए बीच सड़क पर सबके सामने भीख मांग रही हूँ।
वो सुनकर चंद्रकांतम को बहुत बुरा लगता है। सुजाता रोते हुए, अरे तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, एक बार भी नहीं बताया हमें। पहले ही कितनी तकलीफ में हूँ मैं, तुम दोनों के पास आकर तुम्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी मैं। ऐसे कहती है। उस पर चंद्रकांतम, बहुत दिमाग चलाती हो तुम, हमें तकलीफ ना हो इसलिए हमारे पास नहीं आई। तुम और तुम्हारी ओवर एक्टिंग। मुसीबत में साथ देने वाले लोगों को ही दोस्त कहते हैं। तुम्हें परेशान देखकर हम कैसे खुश रह सकते हैं। वैसे शांति, तुम्हें इतना शांत नहीं रहना चाहिए। अब देखना तुम, तुम्हारी सास को कैसे अशांत करती हूँ। ऐसे बोलकर मैजिक लैम्प से जिनी को बुलाती है। जिनी के आते ही सुजाता डर के मारे फिर से बेहोश हो जाती है। चंद्रकांतम जिनी को सारी बातें बताती है। वो सुनकर जिनी शांति से, तुम डरो मत दीदी, अब से मैं सब देख लूंगा, आप आराम से बेड पर लेट जाइए, आराम कीजिए। चंद दीदी, इस मैजिक क्लॉक पर जो कुछ भी वहाँ हो रहा है तुम लाइव देखो। ऐसे बोलकर मैजिक ग्लोब देकर शांति के घर पर जाता है। वहाँ जाते ही जिनी शांति के रूप में बदल जाता है। जाकर शांति की सास से, सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, अब से घर के सारे काम मैं ही करूँगी। सासू माँ मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए, आपके पैरों के नीचे काम वाली की तरह रहूँगी सासू माँ। ऐसे जिनी शांति की तरह बोलता है। वो सुनकर शांति की सास बहुत खुश हो जाती है। अपने आप से, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ समझ गई है शायद, इसलिए मेरे आगे इतना गिड़गिड़ा रही है। वैसे भी घर में काम वाली नहीं है, इससे ही घर के सारे काम करवा कर काम वाली की तरह रखूंगी। ऐसे सोचकर शांति से, अच्छा ठीक है, तुम्हें माफ किया, लेकिन आओ मेरे पैर दबा दो। ऐसे बोलकर खाट पर लेट जाती है। तभी जिनी अपने मन में हंसते हुए जाकर उसके पैर मसाज करने का नाटक करते हुए जोर से दबाता है। उससे उसे बहुत दर्द होता है। वो दर्द सहन न कर पाने पर, कितने जोर से दबा रही है, ऐसे क्यों बदल गई? बदला निकाल रही हो क्या? अरे सासू माँ कैसी बातें कर रही है, आपने ही तो पैर दबाने कहा था, इसलिए दबा रही हूँ। ठीक है, ठीक से दबाओ। ऐसे कहती है। फिर से जिनी मसाज करने का नाटक करते हुए जोर से दबाती है। वो दर्द न सहन कर पाने पर फिर से, अरे लड़की मेरा पैर छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबाने बोल रही हूँ तो क्या कर रही है? ऐसे कहती है। फौरन जिनी, क्या सासू माँ आपने ही तो कहा था ना पैर दबाने, 5 मिनट के दर्द पर आपको इतना बुरा लग रहा है? गर्भवती हूँ ये भी देखे बिना मुझे मारा आपने, मुझसे घर के सारे काम करवाए आपने, भूख के मारे जान निकाल दी आपने, आखिर में मेरी पढ़ाई को भी तकरहीन कर दिया आपने, आपको कैसे छोड़ दूँ मैं? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बहुत गुस्से से बोलती है। वो सुनकर शांति डर के मारे, बाप रे इससे कुछ हुआ है, हे भगवान थोड़ी देर और रुकी तो मुझे मार डालेगी, बोलकर घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शांति का पति लौटकर आता है। आकर शांति से, शांति कैसी हो शांति? किसी तरह से उस बॉम्ब ब्लास्ट से अपनी जान बचा ली, लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे कि मैं मर गया। ऐसे कहता है। तब जिनी शांति के रूप से अपने रूप में आता है। शांति के पति से, जीजा मैं शांति नहीं हूँ जीजा, वो दीदी घर पर आराम कर रही हैं। वो क्या हुआ था ना? ऐसे सारी बातें बताता है। वो सुनकर शांति का पति चौंक जाता है। फौरन शांति से मिलने चंद्रकांतम के घर जाता है। वहाँ शांति से मिलकर उसकी मदद करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता है। ऐसे वो लोग फिर अपने घर जाकर बहुत खुशी से रहते हैं। जिनी के डोज से शांति की सास फिर लौटकर नहीं आई। शांति के फिर एक बार खुश